हेलो माय ब्यूटीफुल सखियों, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज हम बना रहे हैं दो दो तवे पे रोटियां। और जब ज्यादा जने होते हैं ना सखियों, तो रोटियां ऐसे ही बनती है। यहाँ रखते हैं और अब देखो दोनों बहनें मिलके बना रहे हैं घर वालों के लिए रोटी। अभी शालू की तरफ भी एंगल कर दूंगी। ये लो, तो अभी हमारा रोटी कॉम्पिटिशन हो रहा है दोनों बहनों का, क्योंकि ऐसे ही होता है जब फैमिली बड़ी होती है ना बहुत ज्यादा, तो एक तवे से काम नहीं चलता। हाँ, तो बहुत सारे जने हैं, तो हमने डिसाइड किया कि दो तवे दो चकले बेलन सब दो करके फटाफट से रोटियां बना के बच्चों को खिलाते हैं खाना। तो ये व्लॉग हम 10 तारीख को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सखियों के लिए। और क्योंकि रात को 12 बजे भी याशु का बर्थडे स्टार्ट होने वाला है, तो हम याशी का बर्थडे मनाने वाले हैं। तो यहाँ देखो फटाफट दो दो तवे चढ़े हमारे और रोटियां बन रही है। अब मैं ज्यादा बात तो नहीं कर सकती क्योंकि रोटी देखने में दिक्कत हो जाएगी। तो कैसा आपका कैसा रहा शिवानी, बताओ आपको कैसा लगा? क्या ये आज ये फैमिली फंक्शन वो करके जो है एल्बो करके अटेंड करके बाबा बाबा कानों में बाजे बजा के अच्छा लगा। ऑब्वियसली है ना, अच्छे लगा होगा सखियों। सीमा अपनी रोटी तो दिखा दो, इतनी पूरी पूरी रोटी बनती है, अपने एक रोटी भी बेलते भी नहीं दिखाई। अच्छा, तो ये लो भाई, किसने कहा था फूली रोटी दिखा दो सीमा, उसके लिए। तो हमने बना ली है अभी इतनी रोटियां सखियों, और अभी टाइम लगेगा। भी दीदी नीचे से सब्जी गर्म कर करके ला रहे हैं और सारे बच्चे यहाँ वेट कर रहे हैं। और यहाँ देखो कल के लिए सब्जियाँ भी आ चुकी हैं याशी के बर्थडे के लिए। बनाता बंदा तो लगा रहता है यार, इतना बनाती है मेरी रोटियां। तो दीदी डाल रही है स्पीड में सब्जियां फटाफट से। मैं ना सुबह देंगे, अभी नहीं देते रात को चाउमीन ना। हाँ सुबह देंगे बच्चों को खाना होगा ना। थोड़ा तेज करो, अच्छा हो जाएगा वो। रोज वो ठीक कर देना। हम खा के भी बैठ चुके, खा के खिला के तीसरी बार रोटी बना रहे हैं। यू आर नाउ डिस्टर्बिंग द पीस। चालू है आगे से मुंडू आ रहा है सप्लाई वाला। डिलीवरी बॉय हमारा, तंग करो नक्का, काम चालू है। ये बीएमसी वाले अभी खोल देंगे। ये हमारे नए मुंडू है, हमारे नया स्टाफ रखे हमने होटल में डिलीवरी वाला। सखियों सारी दुनिया ने खाना खा लिया, जवाई जी ऑफिस का काम कर रहे हैं बेचारे, ऐसा दामाद। मम्मी ने दिए जलाए होंगे 108, तब जाके ऐसा दामाद मिला है। लव मैरिज में ऐसा था मम्मी ने कौन नहीं, ये तो मम्मी गारंटी तो यहीं से मिली थी। लेकिन मम्मी है तो किस्मत वाली। मैं कह रही हूँ मम्मी ने 108 दिए जलाए होंगे, तब जाके ऐसा दामाद मिला था। तो लेकिन मैंने लव मैरिज में ऐसा दामाद मत करा। ये अकस्मात प्रकट होती है ना ऐसी चीजें, भगवान अकस्मात प्रकट करते हैं ऐसी। अब मैं भी जा रही हूँ डेटा खाली करने, इतनी इसमें आइटम हो चुकी है ना कि कैसे कैसे कब कहाँ एडिट करूंगी मुझे नहीं पता। प्रतिभा मुझसे कह रही एक हफ्ते का कंटेंट हो गया आपके लिए। मैंने कहा तो 3 दिन का है, एक हफ्ते का कंटेंट कहाँ होता है। इन लोग कैसे लगा ना, इतना सारा शूट हो रहा है तो बस होता ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। कितनी तो कटछट हो जाएगी। और जितने गानों में उन्होंने डांस किया वो तो कॉपीराइट क्लेम आएगा, इसलिए वो तो ओरिजिनल तो मैं डाल ही नहीं सकती। ट्यून आप देंगे या हम नचाएंगे ट्यून पे अपने आप को? नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि प्रमोद मामा मुझे ना एक ना जैकेट चाहिए लेने के लिए, अभी रात में पहनने के लिए। फुल देना जरा वो एल्मेरा फुल। तो मैंने सोचा है कि जो इनका रियल डांस है उसे मेरे को भी मामा के कपड़े बिल्कुल ठीक आते हैं, देख करूंगी तो उनको आ थोड़ी पूरी कोई नहीं। क्यों नहीं हो रहा? अरे ऐसे आ रहा है पापा। हो गया बता ना, ये देखो कॉलेज जी। पापा तो इधर देखो, इधर पापा एक गढ़वाली गाना सुना दो ना इसमें पापा, प्लीज सुना दो। सच्ची नहीं आता पापा, मैं भगवान का कसम से गुस्सा आता हूँ। नहीं गुस्सा मैं को नहीं आता, बेर पापा मेरे को नहीं आता है। प्रमोद नहीं आता सच में? नहीं सच में आता, बहुत गाना गाते हैं पापा। क्या मम्मी के लिए बहुत गाते हैं पापा। देख लो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अगर आता मैं जरूर बोलता। पापा डांस कर सकते हैं? डांस तो मैंने कैप्च कर लिया इसमें, फिर ठीक है चलो। कल शाम को नाचूंगा फिर कल। आज तो समधन के संग नाच रहे थे आप, मैंने फोटो बना दी आप दोनों की।
समधन के संग नाच रहे थे। तो एक बिस्तरा यहाँ लग चुका है सखियों, तो बहुत सारे लोग हैं, कोई भी कहीं पे भी सो जाएगा, है ना दी? बहुत जगह दिल नहीं आ रहा, कहाँ कौन कौन सोएगा। जिसने ये जिसने ये कहा दिल में जगह है वो छत पे जाके सोएगा, छत पे जाके सोएगा। क्योंकि जिसको जो जगह मिल रही है पकड़ के रजाई लेके सो जाओ बस। सब तो ये चाहिए बस, मिल जाए बिस्तरा बस। जयराम जी की बहुत ठंड हो रही है, अब तो ऐसा लग रहा है बस ले जाए। नहीं मैं लिटरली यही बोल रही हूँ, अब आराम मिल जाए ना उतना ही चाहिए। और तैयारी और यामिनी दीदी हैं जो शालू के बालों का बहुत रखरखाव करती, जो आप शालू के सिल्की बाल देखते हो ना ये यामिनी दीदी ने किए हैं। समझी, ये शालू ने बताया नहीं है, मैं बता रही हूँ। राज की बात बता दी आज मैंने। सही बात। हम गुड नाइट अभी बोल रहे हैं। मैंने ये ब्लॉग इसीलिए दोबारा 10 तारीख को स्टार्ट किया क्योंकि यशु का बर्थडे अभी दोबारा 12 o'clock मनेगा। आई नो यशु, इधर आर यू एक्साइटेड यशु? तुम खुश हो? ओह यशु मम्मी के नाम पकड़ जाएगी मुझे, मैं मत लटको। मेरा सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट क्या है बताओ? मैं देखा बताओ आप। मेरा बच्चा कैमरे में कितना मक्खन लगा रही है देखो। नहीं सही सही है, यशु बहुत खुश है क्योंकि माँ मम्मी घर आई है बच्चा। क्योंकि पार्टी फर्स्ट बर्थडे में आए पहली बार मम्मी भी, तो है ना। चल और यहाँ देखो बच्चे काम कर रहे हैं, मिलजुल के सारे लोग काम कर रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है इतनी बड़ी फैमिली में, पता ही नहीं लग रहा है कौन सा काम कब हो जा रहा है। ये फैमिली का फायदा होता है सखियों। चलो नीचे, चलो बच्चा पार्टी, सब नीचे चलो। पातू स्वेटर नहीं पहनी है बेटा, चलो चलो बाहर चलो नीचे चलो। ओहो चलो पार्टी हो गया, हो गया। I've been there but I have to stay afloat, it's nice I be a person you don't want, can somebody save me of the thing going to do Where's the life I? Where's my shy head? Is this called living? खुश कैसे ये? खुश बेटा केक से बचा ले बाजू पहले, या आपके पास एल्सा वाला कलर था ना? पकड़ो पहन के देखा ये मैंने इसको बोला सखियों चाय पिला दे एक कप के, ठंडी हो गई थी। कह रही हाँ सही कह रहे हो प्रमोद, ठंडी हो गई थी देखो। ये तो इसका हल्का है, इसकी फेवरेट सखियां एक चाय पिला दी सही। हाँ तो वो ठंडी थी ना, अच्छी नहीं थी। अरे उठा उठा के थक गया तुम, उठ गया। तुमने सुनो मेरी माँ ने तो 160 दिए जलाए थे, तुमने क्या दिया बुझ गया था क्या? है तुम्हें एक कप चाय भी नहीं मिल रही, दिया बुझ, तुमने ढंग से धूप बत्ती नहीं करी थी लग रहा। अरे ये तुम क्या ऑन कैमरा किसी पुसी कर रहे हो? और एक ये गुड़िया अम्मू ने दी, दिखा अम्मू ने दी ये। अरे इसको फेस तो कवर कर ले, कर ले। हाँ अब ले लिया। हाय माय नेम इज व्हाट? देखो भाई प्रिंसेस तो रेडी हो गई। आपने पहले गिफ्ट में तो ऐसी वीडियो नहीं बनाई, क्यों? बाथरूम कौन बैठा था उसने?
प्रतिका दीदी के लिए बाथरोब लाई थी ना? हाँ तो कोई नहीं, बन जाएगा दोबारा। ये रहा बाथरोब, दिखाओ देखो याशी का बाथरोब। ये रहा बाथरोब याशी का, ये इसकी प्रतिभा दीदी ने गिफ्ट किया। और ये देखो ये कितनी सुंदर ड्रेस बुई ने, ये यामिनी बुई ने गिफ्ट किया, बहुत सुंदर पॉकेट में जरा दिखाओ। अब बोलो इसमें यामिनी बुई थैंक यू सो मच, यामिनी दी नहीं यामिनी बुई। मैंने इसको बोला सखियां चाय पिला दे एक कप के, ठंडी हो गई थी। कह रही हाँ सही कह रहे हो प्रमोद, ठंडी हो गई थी। देखो ये तो इसका हल्का है, इसकी फेवरेट सखियां एक चाय पिला दी सही। हाँ तो वो ठंडी थी ना, अच्छी नहीं थी। अरे उठा उठा के थक गया, तुम उठ गया। तुमने सुनो मेरी माँ ने तो एक साथ दिए जलाए थे, तुमने क्या दिया बुझ गया था क्या? मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल सखियो, तो आज है 11 तारीख। कल का ब्लॉग हमने 10 तारीख से शुरू किया था और आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। और अब बस हो गया जितना शूट होना था बर्थडे का, है ना याची? अब हो गया ना बर्थडे, मन गया ना? नहीं अभी तक नहीं आना, आज है बर्थडे। आज बर्थडे तो सखियो आज बर्थडे का ब्लॉग बनाएंगे, उसे भी हम दो पार्ट में बनाएंगे क्योंकि ये वाला छोटा वाला बर्थडे और अब असली वाला बड़ा वाला बर्थडे अभी बनेगा। तो आज दिन भर में जो भी शूट होगा वो सब इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है? आज तो पारुल दीदी भी आने वाली है ना मम्मा? गुड मॉर्निंग तो बोल। Behind me.